हेलो बच्चों, आज हम अध्याय 13 पानी और हम पढ़ने जा रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में शिक्षक बच्चों को पानी के बारे में बता रहे थे। उन्होंने बच्चों से पूछा कि उनके घर में दैनिक जीवन के इस्तेमाल के लिए पानी कहाँ से आता है। कहाँ से आता पानी, सुनिए बच्चों की अपनी जुबानी। मयंक बोला, हमारे मोहल्ले में दिन में 2 बार नल में पानी आता है। पानी के लिए सार्वजनिक नल पर लंबी लाइन लगती है और कभी कभी झगड़े भी होते हैं। सीमा बोली, हम कुएं से पानी भरते थे। पास के कुएं 1 साल पहले सूख गए थे, अब काफ़ी दूर चलकर जाना पड़ता है। मैरी बोली, हमारे यहाँ तो दिन भर पानी आता है। तो अब इन बच्चों से आप देख सकते हैं कि उनके पानी के उपलब्ध करने के तरीके अलग अलग हैं। तो कोई नल से पानी लेता है, कोई कुएं से, और किसी के घर में ही आता है पूरे दिन भर। वह रामू बोला, मेरे यहाँ हैंडपम्प लगा है, लेकिन उसका पानी काफ़ी खारा है, कपड़े साफ नहीं होते हैं, फिर भी हम पीते हैं। अकरम बोला, मेरे यहाँ दिन में 1/2 घंटे के लिए पानी आता है। हम लोग दिन भर के इस्तेमाल के लिए टंकी में पानी भरकर रखते हैं। सलमा बोली, हम नहर से पानी भरकर लाते हैं। नहर मतलब कोई भी नदी या उपनदी, जहाँ से वो मटके में से पानी भरकर लेके आते हैं अपने घर। अब बताइए, आपके यहाँ जिस तरह से पानी आता है उस चित्र पर निशान लगाइए। अगर किसी अलग तरीके से आता है तो लिखिए। तो ऊपर के चित्रों में से अगर आपके घर में कोई भी इस तरह से पानी आता है तो उसे उस चित्र पर निशान लगाइए, और अगर कोई और तरीके से पानी उपलब्ध होता है तो वो नीचे लिखिए। इनके अलावा पानी के और स्रोत कौन कौन से हैं? तो सबसे मुख्य स्रोत इनके अलावा यह हो सकता है कि बारिश का पानी जमा करके रखना एक टंकी में और उसे बाद में इस्तेमाल करना, यह भी काफ़ी लोगों के यहाँ होता है। और अगर अन्य कोई तरीके हैं तो आप लिख सकते हैं। मयंक और मीरा के यहाँ, मैरी के यहाँ जिस तरह से पानी आता है उसमें क्या अंतर है? तो मयंक के यहाँ सार्वजनिक नल से दिन में 2 बार पानी आता है, और वहाँ मैरी के घर उसके अपने घर पर ही दिन भर पानी आता रहता है। तो सबसे बड़ा अंतर यही है कि मयंक सार्वजनिक नल इस्तेमाल करता है और मैरी के यहाँ खुद का नल लगा है। दूसरा अंतर यह है कि मैरी के यहाँ पूरे दिन भर पानी आता रहता है, वह मयंक के यहाँ सिर्फ 2 बार आता है। तो यह 2 अंतर आप लिखिए। क्या कभी मैरी को भी मयंक की तरह लंबी लाइन में खड़े होकर पानी लेना और उसके लिए झगड़ना पड़ता है? चर्चा करके लिखिए। तो नहीं, मैरी को लाइन में लगना या झगड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि उसके खुद के घर में आता है, वो कभी भी चाहे ले सकती है। हम पानी का उपयोग किन किन कार्यों को करने के लिए करते हैं? तो मुख्य तौर से पानी पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए। पानी की उपयोगिता के संबंध में कक्षा में बड़ी जोरों से चर्चा चल रही थी। सभी बच्चे अपने अपने अनुभव बांट रहे थे। जया बोली, पानी नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। राहुल बोला, पानी नहीं होगा तो खेत सूख जाएंगे, फसल नहीं हो पाएगी। टीना बोली, पर राहुल पानी ज़्यादा होना भी तो ठीक नहीं है। राहुल बोला, वो कैसे? टीना बोली, एक बार मेरे गांव में बाढ़ आ गई थी, कई दिन तक बारिश होती रही और नदी का पानी भी गांव में आ गया था।
जिसके कारण चारों तरफ पानी ही पानी था। जिन लोगों के कच्चे घर थे वे ढह गए थे और बहुत से लोग पानी में बह गए थे। मेरा घर पक्का था और ऊंचाई पर था, इसलिए सिर्फ नीचे की मंजिल में पानी भरा था। मेरे मम्मी पापा जैसे जैसे मुझे और मेरे भाई को ऊपर के मंजिल पर ले गए थे। 2 दिन तक हमें कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला था। धीरे धीरे जब पानी कम होने लगा तो लोगों ने हमारी मदद की, हम तक खाना पहुंचाया और हमें वहां से निकालकर राहत शिविर में रखा। जया बोली, बाढ़ आती कैसे है? शिक्षक बोले, छोटी छोटी नदियों का जल बड़ी नदियों में जाता है। बड़ी नदियों का पानी सामान्यतः बहकर समुद्र में जाता है, लेकिन कभी कभी नदी में अत्यधिक पानी आ जाता है और वह किनारों को तोड़कर या फांद कर चारों ओर फैल जाता है। खेत खलिहान जलमग्न हो जाते हैं। अब आप नीचे के चित्र में देख सकते हैं, पहला चित्र जो है वह जलमग्न घर का है, मतलब पानी घर में घुसकर घर को बहा गया है। और दूसरे चित्र में देख सकते हैं एक रेल पटरी जो है वो पानी में ढक गई है ऐसा। अब आप बताइए, क्या आपने कभी अपने आसपास ऐसा दृश्य देखा है? अपने अनुभव लिखिए। तो अगर आपने एक नदी से बाढ़ आते हुए देखा है, या कोई घर या रेल पटरी बाढ़ से बह जाने का चित्र देखा है आपने, तो वह लिखिए और अपने अनुभव बताइए। घर या पटरी नहीं, कोई कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, वो लिखना है। यदि आपने नहीं देखा है तो पता लगाइए कि आपके इलाके में क्या कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो आप अपने बड़ों से पूछकर देखिए कि कभी ऐसा हुआ था या नहीं, और हुआ था तो क्या हुआ था, कितना बड़ा नुकसान हुआ था खेतों का, घरों का, ऐसा पूछिए और लिखिए। 18 अगस्त 2008 की काली अंधेरी रात थी। पूरे उत्तर बिहार और नेपाल की तराई में 2-3 दिनों से बारिश हो रही थी। सभी लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे। अचानक शोर हुआ, बाढ़ आ गई। सभी लोग चीखने चिल्लाने लगे। कुछ लोग भागकर ऊंची जगह तलाशने लगे तो कुछ ने घर की छतों और छप्परों पर अपना ठिकाना बना लिया। वृक्ष पर चढ़कर भी लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की। बाढ़ का पानी बढ़ता गया और गांव के गांव जलमग्न हो गए। उत्तर बिहार के पूरे इलाके में जान माल और संपत्ति का काफ़ी नुकसान हुआ। 500 से अधिक लोग काल के घाल में समा गए। 2,36,632 हेक्टेयर में खड़ी फसलें नष्ट हो गई। 3 लाख से ज़्यादा घर गिर गए। लाखों लोगों को स्कूल, बड़े मकान एवं तटबंध पर शरण लेना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि कोई बाढ़ किस इलाके को कितने कितने ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। अब आपको नीचे दे चित्र में दिख रहा होगा एक हेलीकॉप्टर है, राहत सामग्री का इंतज़ार। तो नीचे कुछ लोग हैं बाढ़ से घर से बाहर निकले हुए लोग कुछ सामग्री का इंतज़ार कर रहे हैं। और ऐसे समय में बहुत से ऐसे हेलीकॉप्टर्स आते हैं खाना और पानी पहुंचाने, कपड़े भी पहुंचाने आते हैं। और दूसरे चित्र में आप शिविर में भोजन वितरण देख सकते हैं, मतलब एक ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं अगर कोई बाढ़ जैसी स्थिति आई है, और वहाँ पर ऐसे भोजन वितरित किए जाते हैं।
बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों को। अब अगले पेज पर आप कुछ बैल और इंसानों को पानी में डूबा हुआ देख सकते हैं। मदद की तलाश। बाढ़ में घिरे लोग काफ़ी संकट में थे। लोग सहायता की पुकार करने लगे। पानी कम होने पर टेंट, कपड़े, दवाइयाँ और खाने की सामग्री सहायता के रूप में आने लगी। देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों ने भी मदद की। छीना झपटी भी खूब हुई। अब बताइए, पता करके लिखिए कि 2008 में उत्तर बिहार के किन किन जिलों में बाढ़ आई। तो आप किसी शिक्षक आपके या अपने बड़ों से पूछ सकते हैं कि कौन कौन से जिले में बाढ़ आई थी, वहाँ के लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऊपर दिए गए चित्रों की मदद ले सकते हैं। तो परेशानियाँ जैसे घर से बेघर होना और बहुत दिन खाना न मिलना, खाना पानी न मिलना और एक ही जगह अटके रहना, तो ये सब परेशानियाँ वो सामना करते हैं वो लोग बाढ़ से पीड़ित। ठीक है, परेशानियों से निकलने के लिए क्या क्या किया गया। तो मुख्य तौर से सबसे पहला जो काम होता है ऐसे परेशानी में पड़ने के बाद, ऐसे बाढ़ आने के बाद, वो होता है कि कुछ संस्थाएं मदद भेजते हैं हेलीकॉप्टर या अपने लोगों के द्वारा, जैसे पानी या खाना और कपड़े के प्रकार में। ठीक है, सबसे पहले तो यही होता है। फिर बाकी, फिर पानी कम हो जाने पर घर को फिर से स्थित करना है या खोए हुए इंसानों या जानवरों को ढूंढना है, ये सब भी काम होता है। 2008 में क्या हुआ था, परेशानी से निकलने के क्या क्या किया गया था, वो आप लिखिए। परेशानियों से निकलने के लिए किस प्रकार की मदद की गई। तो जैसे बताया, हेलीकॉप्टर्स आते हैं, बहुत सारी संस्थाएं मदद भेजते हैं, वो सब। अब अगले पेज पर बताइए, बाढ़ आने से इन सब चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब बताइए, बाढ़ आने से इन सब चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मकान, मकान में पानी घुसने से पूरा मकान तहस नहस हो जाता है। और अगर मकान अगर कच्चा रहा, जैसे मिट्टी और लकड़ी उसे बना रहा, तो वो पूरा बह जाता है। पक्का रहा तो उसमें पानी घुसकर अंदर की पूरी चीज़ें ख़राब कर देता है। ठीक है, पेयजल की उपलब्धि कम हो जाती है, दूर दूर के जगहों से लाना पड़ता है। और क्योंकि बाढ़ का पानी जो होता है वो गंदा होता है और नमकीन होता है, तो वो पीने लायक नहीं होता। और वो पेयजल से मिलकर पेयजल को भी पीने लायक पानी नहीं बनाता, तो ऐसे पेयजल की भी परेशानी होती है। संचार के साधन। तो पानी आने से संचार के साधन खराब हो जाते हैं, जैसे आप टेलीफोन लाइन देखते हैं वो खराब हो जाते हैं, इसलिए दूर तक संचार करने के लिए कुछ उपलब्धि नहीं रहती है। तो लोगों को दिक्कत जाती है अपने अपने संबंधियों से बात करने के लिए, अपने मित्रों से बात करने के लिए, या फिर कोई भी संस्थाओं से बात करने के लिए ऐसे दिक्कत जाती है। यातायात। तो पानी घुसने के कारण यातायात मतलब ट्रांसपोर्टेशन, मतलब गाड़ियों के चहल पहल वो कम हो जाते हैं, क्योंकि पानी घुसने से कोई भी गाड़ी पानी पे चल नहीं सकती है, जिससे यातायात कम हो जाता है। और अगर उपलब्धि रही तो सिर्फ नावों से काम चलाना पड़ता है या चल के। बिजली भी बंद करनी पड़ती है, क्योंकि पानी घुसने से डर रहता है कि किसी को अगर बिजली पानी के कांटेक्ट में आ गई, पानी के
स्पर्श में आ गई तो बिजली के तारों से पानी में बिजली पसर सकती है और बहुत सारे जीव जंतु को हानि कर सकती है। तो इसलिए बिजली भी बंद की जाती है और कई दिनों तक बिजली नहीं आती बाढ़ के परिस्थिति में। मवेशी, मवेशी मतलब गाय भैंस, तो उनको भी काफ़ी तकलीफ होती है, जैसे उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती और वो ऐसे जानवर भी नहीं कि कहीं ऊपर चढ़ सकते हैं, तो बहुत से डूब कर मर भी जाते हैं। तो ऐसे जानवरों को हमें अपने साथ रखना चाहिए और कहीं ऊंची जगह पर ले जाना चाहिए। मछुआरा, मछुआरे से पानी आने से बहुत सारी मच्छियाँ एक जगह से दूसरी ओर चली जाती है, तो मछुआरों को भी दिक्कत जाती है मछली पकड़ने में। फसलें तो बर्बाद हो ही जाते हैं, जैसे पानी आता है तो अधिक पानी मिलने से कई फसल उग नहीं पाती है या खराब हो जाती है या कीड़े लग जाते हैं, तो ऐसे फसल को भी बहुत नुकसान होता है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भी खराब होता है क्योंकि देखिए पानी आता है और फिर लोग अलग अलग जगह जाते हैं, तो वो जगह पर बहुत दिन रुकने से बहुत सारे लोग अलग अलग जगह आने से उस जगह भीड़ होती है और स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बीमारी पसरने के चांसेस ज़्यादा है, तो ऐसे स्वास्थ्य को भी बहुत हानि होती है बाढ़ के बाद। आपके अनुसार बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए क्या क्या करना चाहिए? अब इन जो इनके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए वो आप लिखिए। क्या बाढ़ के कुछ लाभकारी प्रसाद भी हो सकते हैं? अपने साथियों से चर्चा कर लिखिए। हाँ, जहाँ तक मुझे पता है एक अच्छा लाभकारी प्रभाव होता है कि बाढ़ जो है, बाढ़ का पानी जो है वो अपने साथ पोषक तत्व लाता है, वो ही फसल फसल को उगाता भी है क्योंकि मिट्टी में अपने पोषक तत्व छोड़ जाता है बाढ़ का पानी, तो ऐसे भविष्य में फसल उगाने में मदद मिलती है। बच्चों, यहाँ पर आपका अध्याय 13 खत्म होता है, सभी प्रश्न कर लीजिएगा।